नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त के बुलेटिन की खबरों के साथ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 26वें नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को उत्तरकाशी भ्रमण पर पहुंची महिला सशक्तिकरण और बाल विकास खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ब्रिगेडियर ज्ञान स्पोर्ट क्लाइंबिंग प्रांगण का भी लोकार्पण किया। मंत्री ने कहा कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है और अब यह दिख रहा है कि महिलाओं के लिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया। देखिए, आज NIM में आने का अवसर मिला और निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई NIM को देखते हुए। और आज जो है यहाँ पर 26वां राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो है आज से शुभारंभ होने जा रही है। और आज से ही वो 14 तारीख तक लगातार जो है वो खेल जो है वो गतिमान रहेगा। मैं मानती हूँ कि ये संस्था अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक संस्था। भारत अपनी आज़ादी के 75वां साल पूरा करने जा रहा है, ऐसे में देश में केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 13 से 15 तारीख के बीच हर भारतीय को अपने घरों में तिरंगा लगाकर यह उत्सव मनाना है। वहीं जनता भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में नए संकल्पों के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रही है। बता दें कि स्वतंत्रता सप्ताह कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर गोंडा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 6 बाइक के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला आगरा से है, जहां ताजमहल को देखने वालों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ASI ने बड़ा फैसला लिया है। ताजमहल के मुख्य गुंबद से 3 दिनों तक के लिए पर्यटकों के प्रवेश को रोक दिया गया है। मुख्य गुंबद से प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को अभी 15 अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं ताजमहल के बाहरी हिस्सों में फ्री घूमने की आज़ादी मिलेगी। देश भर में जहां रक्षाबंधन का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं यूपी के बलरामपुर में एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। यहां नाले में डूबकर 2 भाइयों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चों की उम्र 16 साल और 10 साल बताई जा रही है। अस्पताल पहुंचते ही दोनों की मौत हो गई, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक बुजुर्ग और उसकी बहू की कुछ दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। दोनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घर में घुसकर दोनों की पिटाई की गई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कुछ कार सवारों ने एक फोटोग्राफर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक कौशल कठेरिया, उम्र लगभग 25 साल के आसपास की है। ये सेंट्रल जेल चौराहे से अपने मित्रों के साथ मोटरसाइकिलों से जा रहे थे। इनके एक मित्र का ढाबा है के पास। रास्ते में जैसा बताया गया कि कुछ लोगों ने जो गाड़ी से थे इनको धमकाया होगा या फायर किया होगा, जांच का विषय है।
खबर पीलीभीत से है, जहां देर शाम अस्पताल से दवाई लेकर लौट रहे युवक की गाड़ी पर नशे में धुत रिक्शा चालक ने ताबड़तोड़ डंडे से प्रहार किया, जिससे उसकी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। वही कार चालक भी बुरी तरह घायल हो गया और कार में बैठा मासूम बाल बाल बचा। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।